खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां अवैध रेत का परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने जब्त किया है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में गोहद एसजीओपी आरकेएस राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपेंद्र छारी ने मुखबिर की सूचना पर कॉलेज के पास से 5 अवैध और ओवरलोड रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कॉलेज के पास जब्त कर खनिज विभाग को सौंपा। भिंड जिले में लगातार पिछले कई दिनों से एसपी साहब के मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारी अवैध रेत के परिवहन पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तारतम्य में आज हमारे द्वारा भी 5 ट्रैक्टर कॉलेज के पास से पकड़े हैं, जिनमें रेत भरा हुआ था और ये सब अवैध रूप से रेत का परिवहन करके बेचने की फिराक में थे, जो मौके से इसको पकड़ के थाने पर खड़ा कराया है। माइनिंग विभाग को इसके लिए सूचित किया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई करें।